तो देखिए, हम लोग शुरुआत में सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में, फिर कोई भी क्वेरी हो आपकी मैथ्स से रिलेटेड तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, कुछ बच्चे सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ से, ठीक है, झारखंड, सभी जगह से बच्चे हैं, बिहार से भी हैं, प्रदेश से ही होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, यूपी से हैं बच्चे, मैथ्स को हम लोग कैसे तैयारी करें उस चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं ओनली डिस्कस करूंगा मैथ्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग संडे को संडे टॉक लाते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो फिर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, चीजें हो नहीं पाती हैं, तो आज हम लोग यहीं पर हम लोग संडे को संडे टॉक लाते रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, अलग अलग जो भी आपकी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सबसे पहली बात, अपने पास जो भी स्टूडेंट है, अगर अभी आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हो, देखिए तीन टाइप के बच्चे यहाँ पर हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनका अपने पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप लोग तैयारी कर रहे हो। सेकंड, वो स्टूडेंट है जो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और तीसरे, वो स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन पिछले 2 साल से वो लोग पढ़ रहे हैं। तीन टाइप के यहाँ पर बच्चे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है, जिसने शुरुआत ही की है सिलेबस की, अभी तो सर शुरू ही हुआ है, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 15 दिन में, 7 दिन में, उस टाइप का बच्चा कैसे तैयारी करे। दूसरे वो लोग हैं जो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और तीसरा वो लोग हैं जो अपने पास सबसे पहले 2 साल मतलब हो चुके हैं लेकिन अभी तक सिलेक्शन सर फाइनल हुआ नहीं हुआ, कभी प्री निकल जाता है, कभी मेंस रह जाता है, कभी प्री भी रह जाता है, इस टाइप से उन चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, जो बच्चा पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने पास कितने टॉपिक है, अपने पास टॉपिक है मैथ्स के अंदर 20 टॉपिक, आप लोग एक एक टॉपिक को आप लोग पकड़िए, एक एक टॉपिक को आप लोग पकड़िए। सबसे पहले अगर आप लोग मैथ्स की बात कर रहे हो तो जैसे अपने पास टाइम एंड वर्क है, अपने पास परसेंटेज है, सीआई एंड एसआई अपने पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास है, और फिर टाइम एंड डिस्टेंस अपने पास है। उसके बाद अगर हम लोग एडवांस मैथ्स की बात करें, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अपने पास अलजेब्रा है, मेंचुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास है, ये 5 टॉपिक पहले अर्थमेटिक के, 5 टॉपिक इसके, उसके बाद अपने पास नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, अपने पास रेशियो है, पार्टनरशिप है, अपने पास यहां पर पार्टनरशिप है, एज वाले क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, अपने पास एवरेज है, एलिगेशन अपने पास है, सिंप्लीफिकेशन अपने पास है, इसके बाद अपने पास डीआई है, इसके बाद अपने पास स्टेटिस्टिक्स है, और इसके बाद अपने पास प्रोबेबिलिटी है। कोई भी एग्जाम आप लोग दे लो, रेलवे का दे लो, एसएससी का दे लो, सीडीएस का दे लो, लगभग 99% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इन्हीं टॉपिक्स में। ये टॉपिक अपने पास आते हैं तो जो भी बच्चा पहली बार अगर पढ़ रहा है तो आपको कम से कम ध्यान रखना मैथ्स में, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। अभी भी ये जो एग्जाम हुआ है अभी थोड़े दिन पहले मेंस का, उससे पहले काफी सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद मिल चुके हैं कि सर पिछले 2-3 साल का जो पेपर था वो पेपर अपने पास आसान आया है। मैं बड़े कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आपके कमेंट में थोड़ी सी देर बाद पढ़ना शुरू करूंगा, पहले मेरी सुनो, ताकि मेरी सुनोगे तो क्वेश्चंस अपने पास हो सकता है आपके ट्यूशन का रिप्लाई पहले ही मिल जाए। इसलिए याद रखना कि आप लोग यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली मेरी बात आप लोग सुनिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो क्लासेज होती है, जो बच्चे मुझसे पेड पढ़ते हैं यहाँ पर, उनके लिए मैंने क्लास लगाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे और भी बोलते हैं कि सर हमें भी ये क्लास का ये दे दिया करो, ताकि हम लोग भी यहाँ से आपसे बातचीत कर लें, इसलिए सभी बच्चों के लिए फिर ये क्लास कर दी गई। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से देखना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि पेड क्लासेस में हम लोग एक्स्ट्रा कोई बात करते हैं नहीं, आते हैं पढ़ाना शुरू करते हैं, लास्ट तक पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं, तो फिर कुछ बच्चों की क्वेरी रह जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि संडे को 15-20 मिनट हम लोग हर संडे को मिल लें, तो धीरे धीरे आपकी क्वेरी कम होती हुई चली जाएगी।
आप लोग कोई भी, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी 100% कवर हो जाएगा, रेलवे 100% कवर हो जाएगा, सीडीएस 98-99% तक कवर हो जाएगा। जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, कोई भी आप लोग एग्जाम देना, इससे बाहर आपको चीजें नहीं मिलती मैथ्स के अंदर। तो आप लोग सबसे पहले, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, आप लोग कहीं पर भी यहाँ पर टाइम एंड वर्क जो है, या किसी भी एक चैप्टर से एक एक चैप्टर को पकड़ो। शुरुआत करने का तरीका ये है, शुरुआत में 5 चैप्टर को या 7 चैप्टर को या 10 चैप्टर को नहीं पकड़ना है, शुरुआत में एक चैप्टर आप लोग पकड़िए। मैं किसी भी चीज का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, मेरे पास ऑलरेडी या किसी भी टीचर के पास ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत है, पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, अगर कोई एक्स्ट्रा ही माइंडेड है, एक्स्ट्रा ही दिमाग चलता है मैथ्स में, आपको किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग ये जो मैथ्स है, एक बार किसी भी जो आपके आसपास जो फैकल्टी पढ़ा रहा है आपके शहर में, उससे जाकर आप लोग पढ़कर आ जाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका टाइम कम हो जाएगा। जो चीज आप लोग साल भर में सीखने वाले हो, वो कोई भी फैकल्टी आपको 6 to 7 months में आप लोगों को एक बार सिलेबस करवा देता है, और उस सिलेबस के साथ साथ आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहती है कि किस टाइप से आपको पढ़ना है। किसी से भी पढ़ सकते हो, आपको जो मर्जी है उससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो पहली बार फर्स्ट ईयर का बच्चा है, मैथ्स ज्यादा ठीक है नहीं, सुपर डुपर मैथ्स है, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, सारा कंटेंट इतना है मेटेरियल कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पूरा यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इतना मेटेरियल यूट्यूब पर तो ज्यादा हो रहा है, यानी कि माइनस में, मतलब इतना है कि आप लोग वहां पर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। फिर बच्चे के विश्वास नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि YouTube पर जैसे एक ही टीचर ने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, कल फिर से पढ़ा दिया, परसों फिर से पढ़ा दिया, तो बहुत बार विश्वास नहीं होता कि यार मैं पढ़ूं कौन सा, ये तो चलता ही चलता। हमारा काम क्या है? हमारा तो काम पढ़ाते ही पढ़ाते रहना है। आपको सिर्फ एक बार कोई भी टॉपिक को करना है, टाइम एंड वर्क। देखना, मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, मान लो आप एक टॉपिक उठाते हो ज्योमेट्री, ध्यान से समझना। अब होता क्या है, आज मैंने ज्योमेट्री आपको, देखना आप लोग, अगर आपके बच्चे के बच्चों के बच्चों के बच्चे जब पढ़ेंगे ना, तो भी ज्योमेट्री की थ्योरी चेंज नहीं होनी, याद रखना। ट्रायंगल वही रहना है। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उनकी संख्याएं चेंज हो सकती है। आप लोग छोटी सी गलती क्या करते हो, ज्योमेट्री मान लो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फिर आप लोग देखते हो यार ये टीचर फिर से, ये जो है ना यूट्यूब पर यहाँ पर अपने पास ज्योमेट्री फिर से चल रही है, आप फिर पढ़ लेते हो, आपको लगता है ओहो ये तो नई चीजें फिर मिल गई, फिर वही मैं वापस एक साल बाद पढ़ाता हूँ, आप फिर पढ़ लेते हो, फिर कोई तीसरा टीचर फिर पढ़ाता है, फिर पढ़ लेते हो, और आप उसका ऐसा गुड़ गोबर कर देते हो, इतना मिक्स हो जाती है चीजें आपके कि आपको खुद को समझ में नहीं आता कि यार मैं करूं क्या। एक चैप्टर नाम उठाया मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो आप एक बार करने के बाद उसके क्वेश्चंस करना शुरू करो। सिर्फ थ्योरी किसी से भी पढ़िए, लेकिन एक बार आप लोग पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन शुरू करो। टाइम एंड वर्क, यहाँ पर आज मान लो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा, ध्यान से सुनना, हमारा, हम फैकल्टी का काम है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, उस पर डालना, और बच्चे खूब सारे देखें, व्यू आए। लेकिन मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। किसी से भी आप पढ़ चुके हो ना इस धरती पर, किसी भी टीचर से, कोई भी, सारी फैकल्टीज अच्छे हैं। उसके बाद जैसे 2023 का पेपर आए, 2023 का पेपर जो है उसके जितने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं उनको खुद करने की कोशिश करो। क्या आप लोग 100% क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, एक बार सिलेबस करने के बाद वो चेक करो। आपको फिर 2023 के किसी फैकल्टी के वीडियोस नहीं देखने कि यार उसने ये क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करवाया, चलो मैं वो वीडियो देख लेता हूँ। उससे आपके कोई भी फायदा नहीं होना, उसके अपने पास हम लोगों के व्यू बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बार करने के बाद, जैसे टाइम एंड वर्क अगर आपने कर लिया, उसके बाद 2024 का अगर पेपर आया या 2022 का पेपर आया, ये एक बार पढ़ने के बाद आप लोग 100% क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो चेक करो। एक एक टॉपिक पकड़ो, और जैसे ही पेपर आया ना, तो वीडियो देखने के बजाय आप खुद करो कि खुद से वो हो रहे या नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, वो चीज पर आप थोड़ा सा विचार करो, फैकल्टी से बात करो कि सर मुझसे हो क्यों नहीं पा रहे 100%। मैंने सिलेबस, ये चीज जो है टाइम एंड वर्क कब करना शुरू करोगे आप, टाइम एंड वर्क किसी भी चीज को जब आप लोग 4 से 5 बार कर लो। और 4 से 5 बार सर सिलेबस हम लोग करें कैसे, याद रखना, दो टाइप के स्टूडेंट है मेरे पास, एक स्टूडेंट ए है, एक बी है। इसको कोई भी क्वेश्चन दो मैथ्स का 100% सोल्व कर लेगा, इसको कोई भी क्वेश्चन दो 100% सोल्व कर लेगा। दोनों में से एक का सिलेक्शन हो जाता है और एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है, क्वेश्चंस दोनों कर रहे हैं
लेकिन बी बच्चा ऐसा है जो क्वेश्चन को तीन बार पढ़ने के बाद समझ रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, जबकि ए जो है ना वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही समझ जाता है कि इसमें मुझे कौन सी ट्रिक्स या बेसिक से करना है या क्या करना है, वो एक बार में ही समझ जाता है एक स्टूडेंट कौन सा ए। और वो एक बार में कब समझोगे, मैं या कोई भी फैकल्टी आपको मैथ्स पढ़ा सकता है। याद रखना यहाँ पर ये जो चीज है एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आए वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस आएगा, और प्रैक्टिस कब होगी जब आप क्वेश्चन को 4 से 5 बार करोगे। ध्यान रखना जब आप लोग एक टॉपिक को 4 से 5 बार करोगे, और 4 से 5 बार हम लोग कैसे करें, जो बच्चा शुरुआत कर रहा है मैं आइडियल टाइम आप लोगों को बता देता हूँ कि मैथ्स में आपको डेली यहाँ पर 2.5 घंटे देने ही पड़ेंगे। याद रखना 2.5 घंटे आप लोग 7 महीने क्लास के अलावा, क्लास में जोड़ लेना उसमें 1.5 घंटे की, क्लास के अलावा जो आप क्लास लेते हो उसके अलावा 1.5 घंटा आप लोग 2.5 घंटे आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। 7 महीने आप लोग दे दीजिए 2.5-2.5 घंटे, आपका मैथ्स इंप्रूव नहीं हो जाए तो मैं यही करूँ। क्या करना आपको, 1 आवर जैसे आप लोगों ने आज पढ़ा, मान लीजिए एक टॉपिक आपने पढ़ा, सिलेबस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क यहाँ पर पढ़ा है, और टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगला टॉपिक मान लो आपका शुरू हो गया परसेंटेज, तो परसेंटेज जब चल रहा है ना तो परसेंटेज जो नया टॉपिक चल रहा है उसको 1 घंटा ही आप लोग दीजिए, 1 आवर में कंप्लीट करो। जो भी टीचर ने पढ़ाया 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि आज ही पढ़ा है, आज ही आप लोग कर रहे हो तो उसमें दिमाग फास्ट चलता है, उसमें बैठे बैठे सोचना नहीं है, जल्दी से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। और उसके बाद जो 1.5 घंटा बचता है उसको टाइम एंड वर्क में दो आप लोग, यानी कि टाइम एंड वर्क एक बार आप टीचर के साथ कर चुके हो, जब परसेंटेज चल रहा है एक बार टाइम एंड वर्क आप लोग वापिस कर चुके हो, क्योंकि एक टॉपिक कम से कम मैथ्स का 15 दिन चलता है, तो 15 दिन में जो पहले वाला टॉपिक है वो रिवाइज करो। जैसे मान लो तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है, आज आपने पढ़ना शुरू किया तीसरा टॉपिक सीआई एंड एसआई, अगर पढ़ना शुरू किया तो सीआई एसआई अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको आप लोग 1 घंटा दो, इसको आप लोग 1/2 घंटा दो, और इसको आप लोग 1 घंटा फिर से दीजिए, तो 1.5 घंटे तो पहले वाले टॉपिक पर देना है जो पहले आप लोग पढ़ चुके हो, और 1 घंटा नए वाले टॉपिक पर देना है। इससे क्या होगा, जब पर सीआई एसआई चल रहा है टाइम एंड वर्क फिर से कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप लोग 3 बार कंप्लीट कर चुके होते हो ना तो दिमाग आपका फास्ट चलना शुरू होता है, फिर ध्यान रखना बहुत फास्ट चलेगा, फिर आप लोग उसमें 15-20 मिनट भी डेली अगर दे दोगे तो चैप्टर होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे अगर आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर पी एंड एल आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको 1 घंटा दो, इन तीनों टॉपिक्स को आप 1.5 घंटा दो, ये जब आपका मान लो 15 दिन में खत्म हो तब तक ये भी 15 दिन में एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए। तो जिस दिन आप लोग सिलेबस खत्म करोगे याद रखना एक टॉपिक को आप लोग छोड़िए, 5 बार को आप छोड़िए, 7 महीने में जिस दिन टॉपिक खत्म करोगे ना, सिलेबस खत्म करोगे, तब तक कुछ टॉपिक कम से कम आपके 10 से 12 बार हो चुके होंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि 7 महीने कब निकल जाता है। शुरुआत में 7 बड़ा बड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन 7 महीने जैसे आप सोचिए जब कॉलेज में आए थे लग रहा था मैं 3 साल कॉलेज में रहूंगा, लेकिन वो 3 साल आपने आंखें बंद की और जब खोली 3 साल पास हो गए थे। ध्यान रखना जिन बच्चों ने कॉलेज कंप्लीट कर चुके होंगे उनको ये चीज का एहसास होगा, और जो कंप्लीट अभी करके आए हैं उनको देखना लगेगा कि मैंने तो आंखें बंद की थी और खोलते ही 3 साल कंप्लीट, मेरा तो कॉलेज कंप्लीट भी हो गया, पता ही नहीं लगता कि कब कंप्लीट हो गया। तो 7 महीने कंप्लीट करते टाइम नहीं लगता, और 10-12 तो छोड़िए, जिस दिन आपका 5 बार सिलेबस हो जाए ना उस दिन देखना कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, और आप लोग वहां पर 100% ट्यूशन करना शुरू कर दोगे, 100% ट्यूशन होंगे मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन उसको 5 बार करना पड़ेगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने, जो बच्चा दूसरे टाइप का एक स्टूडेंट है जो एक बार सिलेबस कर चुका है, अगर आप एक बार सिलेबस कर चुके हो और जैसा मैंने अभी बताया वैसे अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप लोग एक काम कीजिए, ये जो सिलेबस है इसको शुरुआत से लेकर 1 नंबर से शुरू हो जाओ और पूरे को वापिस निकाल डालो। अगले 1 महीने का आपके पास टारगेट रखो कि 1 महीने में मुझे वापिस पूरा का पूरा मैथ्स निकालना है, फिर वापिस करना है, फिर वापिस करना, आपको 3 बार और करना है, ध्यान रखना 3 टाइम्स और करना, शुरुआत से शुरू हो जाओ, मैथ्स को डेली 2.5 घंटे दो, जितना ज्यादा फास्ट हो सकता है उतना करने की आप लोग कोशिश कीजिए। और जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं ये क्या करेंगे, ये अब आप लोग मैथ्स को ऐसे नहीं पढ़ोगे, ये थर्ड टाइप के जो बच्चे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये डेली अगर आप लोग मैथ्स के 100 क्वेश्चन करते हो तो ये जो 20 चैप्टर हैं इनके 5-5 क्वेश्चन उठाओ, आपको 1 चैप्टर अब नहीं पढ़ना, ये चीज ध्यान रखना। आपको लगता है डेली सर मैं तो 40 क्वेश्चन ही करता हूँ, तो डेली 40 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो आप डेली 2-2 क्वेश्चन कर लो, आपको लगता है सर डेली मैं तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ तो आप डेली 1-1 क्वेश्चन कर लो,
लेकिन एक चैप्टर के आपको अब क्वेश्चंस नहीं करने, ध्यान रखना वहां क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं और मिक्स क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। आज ही परसेंटेज पढ़िए, आज ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन करो, आज ही अलजेब्रा के क्वेश्चन करो, आज ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करो, आज ही मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन करो, सभी के क्वेश्चन आज होने चाहिए। अगर सारे टफ लगते हैं तो इनको पांच पांच भागों में बांट लो, जैसे 100 क्वेश्चन करते हो तो आज इन पांच चैप्टर के बांट लो, अगले दिन इस पांच चैप्टर के, अगले दिन इन पांच चैप्टर के, और अगले दिन इन पांच चैप्टर्स के, ऐसे ऐसे आप लोग बांट लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये होता है मैथ्स पढ़ने का तरीका। जो बच्चा शुरुआत कर रहा है, जो एक बार सिलेबस कर चुका है या जिसने इस टाइप से नहीं पढ़ा, और जो अपने पास 2 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, इस प्रकार से आपको करना है। तैयारी करो।